हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोचा है प्लांटिंग ट्रीज, उन्होंने जो है पौधे उगाने के बारे में सोचा हुआ है। तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, सभी बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो प्लांटेशन करेंगे और पौधे उगाएंगे। तो ये डिसाइडेड किया गया है, इट वाज डिसाइडेड दैट कि स्कूल्स में जो बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास है तो उसमें एक पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास वाले बच्चे दो पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले बच्चे तीन, और ऐसे ऐसे करके 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो 12 पेड़ लगाएंगे। अब बच्चों, हर क्लास में जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, ठीक है? तो हर क्लास में जो सेक्शन है बच्चों वो 3 है, और जो जो क्लास है वो उतने ही पेड़ लगाएंगे। तो सेकंड क्लास के बच्चे विल प्लांट 2 ट्रीज, थर्ड क्लास स्टूडेंट्स विल प्लांट 3 ट्रीज, और फोर्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है विल प्लांट 4 ट्रीज। तो ऐसे चलता रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, हम एक बार एक एपी सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्लास के बच्चों ने टोटल कितने पेड़ लगाए, तो पहली क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, बट सेक्शन तो 3 है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों ने जो पेड़ लगाए हैं वो 3 है, ठीक है? तो पहली क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे 12, लेकिन सेक्शन तो 3 है बच्चों। तो जब एज देयर आर 3 सेक्शंस, तो हर जो है ईच क्लास, तो इसका मतलब पहली क्लास के बच्चों ने टोटल जो प्लांट्स लगाए वो 3 हैं, और सेकंड क्लास के बच्चों ने टोटल जो पेड़ लगाए बच्चों वो 6 हैं, और थर्ड क्लास के बच्चे जो उन्होंने टोटल जो प्लांट जो है लगाए वो 9 है, ठीक है? ऐसे 12 है। 12वीं क्लास के बच्चे हैं, 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन 36। तो इस प्रकार से ये एक एपी बन के आया। अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल जो पेड़ जो लगाए गए हैं वो टोटल हैं कितने। तो बच्चों, ए हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 3 है, और डी यहाँ पे 3 है, तो एन यहाँ पे 12 है। तो हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एन की जगह हम रख देंगे 12, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो तो 12 ही हैं, और ए यहाँ पे 3 है, और बच्चों सब में डिफरेंस जो है वो 3 का है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये एस एन जो निकल के आएगा वो आएगा 234। तो इसका मतलब है, अगर हर क्लास में 3 सेक्शन हो और हर क्लास को उतने ही पेड़ लगाने हो जो वो क्लास है, तो टोटल जो पेड़ लगेंगे बच्चों वो है 234। इतने ट्रीज जो है सभी बच्चे मिलकर लगाएंगे। अब बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो एक स्पाइरल है, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो। इस स्पाइरल में अगर आप देखो, जैसे L1 है, ये एक सेमी सर्कल है, फिर L2 है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, फिर L3 है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, फिर L4 है, ये चौथा सेमी सर्कल है। ऐसे ही बच्चों, टोटल जो सेमी सर्कल जैसे बनाए जा रहे हैं स्पाइरल में, उनकी संख्या है 13। तो ऐसे 13 जो है लगातार कॉन्जुकेटिव सेमी सर्कल्स हैं। बच्चों, हमें एक निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि ये जो स्पाइरल है इसको बनाने में टोटल जो लेंथ है, जैसे वायर से अगर हम इसे बना रहे हैं, तो टोटल कितनी लेंथ वायर की, कितनी लेंथ इसमें लगेगी। तो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये क्लियर है कि एक स्पाइरल है जो लगातार सेमी सर्कल से बना हुआ है, एक के बाद एक, और जो पहला सेमी सर्कल है बच्चों उसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा सेमी सर्कल है वो थोड़ा बड़ा है तो उसका रेडियस जो है 0.5 बढ़ जाता है। तीसरा सेमी सर्कल, फिर उसका रेडियस 0.5 बढ़ जाएगा पहले वाले से, ठीक है? तो टोटल लेंथ बतानी है कि कितना वायर लगेगा। बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो सर्कमफ्रेंस है ऑफ द सर्कल वो हमें पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr। तो बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 2πr/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों सेमी सर्कल का जो सर्कम फ्रेंस है वो है पाई आर। सर्कम फ्रेंस का मतलब है पूरी जो है लेंथ। जैसे हम बात करते हैं, ये जैसे L3 है, तो ये एक सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों, ये सेमी सर्कल की जो लेंथ है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये
इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस जो है पाई आर है। तो बच्चों एक सेमी सर्कल को बनाने में जो वायर लगती है वो उतनी ही वायर लगती है जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो पहला सेमी सर्कल है एल वन, तो एल वन सेमी सर्कल को बनाने में जो वायर लगेगी वो होगा 0.5 पाई, क्योंकि पाई आर है। तो पहले सेमी सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो 0.5 है। तो इसका मतलब पहला सेमी सर्कल एल वन उसको बनाने में जो वायर लगेगी पाई आर वो होगा 0.5 पाई। ऐसे ही बच्चों जो दूसरा सेमी सर्कल है उसको बनाने में जो वायर लगेगी वो पाई आर होगा, और दूसरे सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो पहले वाले से 0.5 ज़्यादा है। तो इसका मतलब बच्चों दूसरे सेमी सर्कल को बनाने में जो वायर लगेगी वो है 1 पाई, ऐसे ही तीसरे को 1.5 पाई। ठीक है, ये लगातार ऐसे आता जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एपी सीरीज बन गया है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि ऐसे ही 13 सेमी सर्कल हैं और अगर हम उन 13 के 13 सेमी सर्कलों के जो सरकमफ्रेंस हैं अगर हम उनको प्लस कर दें तो बच्चों टोटल वायर निकल के आ जाएगी कि इस स्पायरल को बनाने में कितनी वायर लगेगी। तो यहाँ पे जो सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ 13 सेमी सर्कल्स है बच्चों वो होगा वही इक्वल टू पाई आर है। तो पाई हमने कॉमन ले लिया, हम इन सबको सम इनको प्लस कर रहे हैं बच्चों, 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई, तो इसमें पाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया। फिर बच्चों पाई हमारा ऐसे ही रहेगा और ये जो सबका सम है इसमें हमने SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब N बच्चों यहाँ 13 है क्योंकि ऐसी स्पायरल 13 हैं, ठीक है, और A यहाँ पे 0.5 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये पाई को हटा के हमने 22/7 लिख दिया। बच्चों N 13 है, A 0.5 है, N जो है 13 है और D की वैल्यू है 0.5। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा, और ये 2 से हम 22 को कैंसिल करेंगे 11 आएगा, और ऊपर 13 नीचे 7, फिर उसके बाद 13 में से -1 करेंगे 12, और 12 की मल्टीप्लाई बच्चों जब हम 0.5 में करेंगे तो ये हमारा 6 निकल के आएगा। फिर 6 और 1 एक प्लस करेंगे बच्चों 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल होके 11 -13 हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 143। तो इसका मतलब है कि ऐसे ही 13 सेमी सर्कल्स बनाने में जो वायर लगेगी उसकी लेंथ होगी 143। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये सवाल करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें तो 200 लॉग्स हैं हम पे, 200 जो है लकड़ी के पीसीस हैं जो जिसको हमने एक स्ट्रैक्ट मतलब एक हमें एक जो है ऊपर चट्टा सा लगाना है जिसमें हमें सबसे नीचे जो है 20 लॉग्स 20 लकड़ियों के जो है टुकड़े हमें रखने हैं। फिर उसके ऊपर जो हम लाइन बनाएंगे उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा एक जो लॉग है हम कम कर देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे हम रखेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल लकड़ी के टुकड़े हैं वो 200 है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से होगा। तो यहाँ कंडीशन है कि आपको सबसे नीचे जो है 20 लकड़ी के पीसेस रखने हैं, फिर उसके ऊपर जो रो है उसमें एक लकड़ी का पीस आपने कम कर देना है, फिर उसके ऊपर जो रो है फिर उसमें एक कम कर देना है, फिर आपने बताना है कि ऐसे कितने कितनी रो बनेंगी, ऐसे कितनी रोज बनेंगी वो आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे 200 जो हमें गिवन है वो SN है, तो SN जो है यहाँ पे 200 है, और जो AP सीरीज बनती है वो 20 फिर 19 फिर 18। अब हम क्या करेंगे बच्चों, SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ D की वैल्यू -1 है तो हमने SN का फॉर्मूला अप्लाई किया, और बच्चों SN को हटा के 200 लिखा, A को हटा के 20 और D को हटा के -1। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 40 आएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई N -1 में करेंगे बच्चों तो -N+1 आएगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे 40 + 1 = 41 हो जाएगा, फिर n की मल्टीप्लाई जब 41 - n में करेंगे बच्चों तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 400 के दो फैक्टर करने हैं हमने, वो है 25 और 16। तो बच्चों ये मिडिल टर्म स्प्लिट्स करके जो इसके फैक्टर निकल के आएंगे वो आएगा n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16,
ये दो वैल्यू निकल के आएंगी। अब इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा ये हम थोड़ा चेक करेंगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन पे, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा कि हमारे पास 200 जो है लकड़ी के टुकड़े हैं जिनको हमने जो है एक इस मैनर से रखना है कि सबसे नीचे जो है हम कंडीशन अप्लाई है कि हमें 20 जो लॉक्स हैं वो रखने हैं। उसके बाद जो अगली रो है ऊपर वाली उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा कम कर देना है। तो हमें बताना है कि ऐसे ही कितने जो है रो बनेंगी और टॉप वाले में जो टॉप वाली रो है उसमें कितने ऐसे लकड़ी के टुकड़े होंगे। तो बच्चों n इक्वल टू 25 है और n इक्वल टू 16 है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर है। तो यहाँ n हमारा 25 और 16 निकल के आया। अब बच्चों अगर हम माना कि कंडीशन ले लेते कि n जो है हमारा इक्वल टू 25 है, तो इसका मतलब है 25 जो सबसे ऊपर है उसमें अगर हम देखें कि कितनी लकड़ी के टुकड़े हैं तो हमें A25 निकालना है। तो बच्चों A25 होता है A+24D। तो A और D जो निकले हैं उनको उनकी जगह रखा तो ये हमारा निकल के आया A25 हमारा निकल के आया माइनस का 4। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि 25 रो बन रही हैं और सबसे ऊपर जो है 25वें नंबर रो पे जो है माइनस 4 लकड़ियाँ हैं। तो बच्चों लकड़ियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो अब हमने क्या लिया बच्चों, n इक्वल टू 16 लिया। तो जब हम n 16 ले रहे हैं तो हम पता लगा रहे हैं कि 16 नंबर पे जो रो बन रही हैं उस रो में जो है 16 रो पे कितनी लकड़ियों के टुकड़े आ रहे हैं। तो A16 होगा A+15D। तो बच्चों A और D की जगह उनकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा A16 जो निकल के आया बच्चों वो 5 निकल के आया। इसका मतलब है कि यदि हम 200 लकड़ियां हमारे पास हैं, सबसे नीचे हम 20 लॉक्स लकड़ियां रखते हैं, उसके ऊपर हम 19 रखते हैं, फिर उसके ऊपर 18 रखते हैं, तो ऐसे ही 5 जो है, तो बच्चों ऐसे ही 16 रो बनेंगी और जिसमें सबसे टॉप में जो 16 नंबर पे जो रो है उसमें 5 लकड़ियां आएंगी। अब बच्चों हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो एक बकेट जो है एक बाल्टी को रखा गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो बच्चों एक पोटैटो रेस जो है उसमें स्टार्टिंग में एक बकेट रखा हुआ है और हर कोई पोटैटो जो जैसे पहला पोटैटो है तो वो 5 मीटर पे है, फिर उसके बाद जितने भी पोटैटो रखे हुए हैं वो सब 3-3 मीटर पे रखे हुए हैं। तो लड़की को क्या करना है कि पहले दौड़ते हुए जाना है, पहला आलू पिक करना है, फिर उसे उठा के फिर वापस बाल्टी में रखना है, फिर दोबारा जो है दूसरे आलू को उठाना है, फिर एक एक आलू उठा के उसने बाल्टी में रखना है। तो ये एक प्रकार से गेम है। तो अब हमें बताना है कि उस लड़की ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो जब लड़की पहला आलू उठाएगी तो वो 5 मीटर जाएगी, फिर 5 मीटर आएगी। तो पहले आलू को उठाने में लड़की ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है टू पिकअप द ऑल द पोटैटोज वो डिस्टेंस हम निकालते हैं। सबसे पहले तो वो 5 मीटर गई, पहला आलू उठाया और फिर 5 मीटर वापस आई और बाल्टी में रख दिया। तो पहले आलू को उठाने में उसको 10 मीटर 2×5, हर बार डबल होगा ना, डिस्टेंस डबल होगा, पहले जाएगी फिर आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि दूसरा जो आलू है वो बाल्टी से 8 मीटर दूर है, कैसे भाई, पहला आलू 5 मीटर है, उसके बाद 3 मीटर का डिस्टेंस है दो आलू के बीच में, तो बाल्टी और दूसरे पोटैटोज के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब दूसरे आलू को उठाने में 2×8 डिस्टेंस कवर होगा। ऐसी बात करते हैं तीसरे पोटैटो को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो बच्चों तीसरा जो पोटैटो है वो बकेट से 11 मीटर दूर है, तो लड़की जो है 11 मीटर जाएगी और 11 मीटर आएगी, तो इसका मतलब डबल जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी तीसरे आलू को उठाने में, तो ये हो जाएगा 2×11। ऐसे ही अगर हम बात करें तो टोटल जो पोटैटोज रखे हुए हैं वो यहाँ पे 10 रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये एक AP सीरीज बन गया है।
टू की मल्टीप्लाई फाइव से किया 10, फिर 16, फिर 22, तो ये एक एपी है, ठीक है। तो ये एपी जो है 10, 16, 22, ये 10 बार है। तो पहला ए जो है यहाँ पे 10 है, डी जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 6 है डी, और एन यहाँ पे बच्चों 10 है। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं, एस एन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और बच्चों एन को हटा के हमने 10 लिखा, फिर ए को हटा के 10, और डी यहाँ पे 6 है। तो ये पूरा कैलकुलेट करके बच्चों जो एस टेन जो आया वो आया 370। तो बच्चों 10 के 10 आलू को उठाने में लड़की ने 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये इस तरीके से बच्चों हमें करना है।